डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम अगेन नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज फ्रॉम मेडिसिनल केमिस्ट्री एज वेल एज फार्माकोलॉजी। यहां पे मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी के मैंने बहुत सारे वीडियोज अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की भी प्लेलिस्ट मिलेगी, सिंथेसिस की भी प्लेलिस्ट मिलेगी और एसएआर की भी प्लेलिस्ट मिलेगी और मैकेनिज्म एक्शन से रिलेटेड बहुत अच्छे से क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है, वो चीज भी आप देखेंगे। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे प्लेलिस्ट और देखेंगे जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट, चाहे मैं डीएसबीएम की बात करूं, चाहे एचएनसीपी की बात करूं या एचएपी की बात करूं, मींस यहां पे लगभग हर सब्जेक्ट के आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सिमिलरली यहां पे मैं बात करूं यदि मॉडल पेपर्स की, तो मॉडल पेपर्स की भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप उस पे क्लिक करें और अपना डिजायर्ड वीडियो देखें। यहां पे अपन आज बात कर रहे हैं दूसरे एक ड्रग की, जो अपन मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो अपन बात कर रहे हैं आज डाइसोपाइरेमाइड फोस्फेट। ये कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, शायद आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये हम कौन सी कैटेगरी में पढ़ रहे हैं, एंटी अरेथमिक कैटेगरी में पढ़ रहे हैं। एंटी अरेथमिक कैटेगरी क्या होती है, अरेथमिया क्या होता है, पहले तो ये देखें। एबनॉर्मल रेट ऑफ किसकी, कार्डियक सिस्टम की, मतलब हार्ट की एबनॉर्मल कंडीशन हो गया, उसको अपन अरेथमिया बोलते हैं। जो रिद्म होती है वो एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है, वो परफेक्ट होती है। अरेथमिया का मतलब होता है एबनॉर्मल कंडीशन हो गई, अजीब तरीके से हार्ट धड़क रहा हो, वो रिएक्शन कर रहा हो, इस मतलब चारों कंपार्टमेंट रिदम में नहीं है, वो अरेथमिया कहलाता है। उस प्रॉपर्टी को या उस डिसऑर्डर को जो सही करे उसको एंटी अरेथमिक कहते हैं। यहां पे यदि हम इसको फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लें तो ये ड्रग आता है सोडियम चैनल ब्लॉकर की कैटेगरी में आता है। सोडियम चैनल को ये ब्लॉक करता है, मींस अब अपन बात कर रहे हैं अपन यहां पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। मैकेनिज्म एक्शन में ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सा है, फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो ये ब्लॉक करता है सोडियम चैनल को, आपको शायद पता लग गया होगा, जैसा कि ये जिस कैटेगरी में है इसका फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आता है। अब अपन बात करते हैं डिक्रीज इनवर्ड ऑफ सोडियम करंट। जैसे ही सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, सोडियम करंट का इनवर्ड डिक्रीज हो जाएगा, विच रिजल्ट्स व्हाट विल हैपन, डिक्रीज अप स्ट्रोक वेलोसिटी, मतलब अप स्ट्रोक वेलोसिटी में डाउनफॉल आ जाएगा। जैसे ही डाउनफॉल आएगा, यहां पे एक्शन आता है कौन सा, प्रोमिनेंट कार्डियक डिप्रेसेंट एक्शन आता है, मतलब जो हाइपर एक्टिविटी एक्टिव था कौन कार्डियक सिस्टम, उस कार्डियक सिस्टम पे डिप्रेसेंट एक्शन आएगा, मींस एंटी अरेथमिक एक्शन आएगा। और एट द सेम टाइम ये दो एक्शन और देता है, दूसरा एक्शन क्या आता है, एंटी कोलिनर्जिक एक्शन भी देता है, बिकॉज ऑफ सोडियम चैनल ब्लॉकिंग एंड एज वेल एज आल्सो दूसरा नो एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एक्शन, मतलब एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करता। इन सभी के फलस्वरूप इनके रिजल्ट से क्या मिलता है, हमें एंटी अरेथमिक एक्शन मिलता है। एंटी अरेथमिक एक्शन को हम यूज करते हैं एज ए एंटी अरेथमिक ड्रग। ओके, मींस डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अरेथमिया को ट्रीट करने के काम में लिया जाता है। मींस यहां पे अब बात करेंगे इसके यूजेज की। यूजेज में आप देखेंगे पहला यूज है जो आपको दिख रहा होगा, सेकंड लाइन ड्रग कहलाती है। सेकंड लाइन ड्रग का मतलब सेकंड ऑप्शन है ये ट्रीटमेंट के लिए, कौन सी डिजीज के लिए, रिकरेंस ऑफ वेंट्रिकुलर अरेथमिया, मतलब वेंट्रिकुलर अरेथमिया बार बार हो रहा है, उस कंडीशन में इसको सेकंड लाइन ड्रग दिया जाता है, प्रिफर्ड किया जाता है। ओके, दूसरा इसका यूज जो है
इन हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी विद लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, देखिएगा, हाइपरट्रॉफिक का मतलब ज्यादा एक्टिव हो रहा है, कार्डियोमायोपैथी का मतलब इसकी कार्डियक की मसल्स हो गई, विद लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में आउटफ्लो का रुकावट हो रही है, उस कंडीशन में भी इसको सिम्टोमेटिक तौर पे, इसको रिलीफ के तौर पे दिया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है, लास्ट में थर्ड यूज आता है इसका, सुपर वेंट्रिकुलर एंड वेंट्रिकुलर एरिथमिया, इनके में भी इसको यूज ट्रीटमेंट के तौर पे इसको यूज किया जाता है। इस तरह से मतलब यूं कहेंगे अपन, एरिथमिया को ट्रीट करने के लिए स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टम में एरिथमिया प्रॉब्लम हो तो उस टाइम पे इसको यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इसके ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके साइड इफेक्ट क्या है। मेनली फ्रेंड्स इसका साइड इफेक्ट आपको दिख रहा होगा एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट की वजह से यहाँ पे साइड इफेक्ट होता है, जैसा दिख रहा है, मींस ड्यू टू द एंटी कोलिनर्जिक एक्शन साइड इफेक्ट होता है। आपको शायद पता होना चाहिए एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट की वजह से साइड इफेक्ट क्या होता है, बट ओबियस है, ध्यान दीजिएगा, ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मतलब यहाँ पे हमारे जीआईटी में सिक्रेशन को रिड्यूस हो जाता है तो माउथ का ड्राइनेस हो जाता है, यदि वाटर कंटेंट यहाँ पे जीआईटी में कम हो जाएगा तो बट ओबियस है कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में आता है ब्लर्ड विजन, मतलब आंखों की वो ढंग से दिखाई नहीं देता, वो ब्लड दिखता है, उस कंडीशन को हम ब्लड विजन बोलते हैं। और एक स्पेशली यूरिनरी रिटेंशन कंडीशन आ जाती है, मतलब यूरिनरी ब्लेडर की जो मसल्स होती है वो रिटेन करने लग जाती है, स्पेशली कब, जब एल्डरली मेल पेशेंट में, मतलब बूढ़े पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम होने लग जाती है। ये हो गया इसका मेन साइड इफेक्ट। अब बात करते हैं यहाँ पे, यहीं पे मैं बता देता हूँ ये जो मैंने अब तक पढ़ाया है इसका अपना यूज क्या है, कहां काम आएगा। फार्माकोलॉजी में शॉर्ट नोट आता है, राइट शॉर्ट नोट, डाई आइसोप्रोपाइल फॉस्फेट, तो आपको ये इसका मैकेनिज्म एक्शन, ये इसके यूजेज एंड साइड इफेक्ट लिख देना, पूरे के पूरे मार्क्स मिलने की उम्मीद रहेगी। यहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करूं तो पहला क्वेश्चन जो बनता है आपका, पहला क्वेश्चन बनता है सोडियम चैनल ब्लॉकर कैटेगरी का, मैकेनिज्म एक्शन का, दूसरा क्वेश्चन बनता है एंटी एरिथमिक कैटेगरी का, मतलब कैसे भी पूछा जा सकता है मैकेनिज्म एक्शन ऑफ डाई आइसोप्रोपाइल फॉस्फेट, तो सोडियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ऑप्शन है पोटेशियम चैनल ओपनर, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन हो सकता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सोडियम चैनल ब्लॉकर। ये तो ये हो गया। फिर मेन चीज आती है इसके एक्शन, कौन कौन से इसके तीन एक्शन है, ये थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड है तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ दो एक्शन देता है लेकिन तीसरा एक्शन नहीं होता। पहला एक्शन आता है प्रोमिनेंट कार्डियक डिप्रेसेंट, और दूसरा कोलिनर्जिक एक्शन होता है, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एक्शन नहीं देता। ये हो गया इसका मेन एक्शन जो अपन को याद करना है, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म एक्शन और एक्शन, ये अपन को याद रखना है। इसका साइड इफेक्ट, इस पे भी क्वेश्चन बनता है, ड्राइनेस जनरली स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता, तो आपको याद रखना है कि क्योंकि ये ड्रग डाइआइसोप्रोपामाइड फॉस्फेट एंटी कोलिनर्जिक एक्शन देता है, इसीलिए हमें जीआईटी से रिलेटेड, आंखों से रिलेटेड हमें आज के एडवर्स इफेक्ट याद रखने हैं। तो ये हो गया इसके एडवर्स इफेक्ट। बट ओबीएस है एंटी अरिथमिक ड्रग है, और मैंने बताया लेफ्ट वेंट्रिकल से मेनली काम करता है, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल अरिथमिया से रिलेटेड इसके यूज हो गए। तो इस तरह से नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे इस पे यूज पे बनता है। यहाँ पे मैं बता दूं ये जीपेट में क्वेश्चन आ चुका है, और ये वाला दूसरा ये वाला फार्मासिस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है एज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के तौर पे। ये हो गया आपका इसकी पूरी की पूरी फार्माकोलॉजी। अब अपन बात करेंगे सिंथेसिस की। सिंथेसिस में बात देखेंगे, सिंथेसिस किसकी बात कर रहे हैं, डाई आइसोपायरेमाइड फॉस्फेट। इसके सिंथेसिस के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास दो स्टार्टिंग मटेरियल है, नाम देखना, इसका नाम जो पता लग रहा होगा आपको इसको बोलते हैं एसीटोनाइट्राइल, और ये नाम होता फिनाइल, तो इसका नाम हो गया फिनाइल एसीटोनाइट्राइल। ओके, एसीटोनाइट्राइल, ये तो इसका नाम हो गया। बट वो भी ऐसा आपको दिख रहा होगा, ये पिरिडीन है, पिरिडीन का नंबरिंग सिस्टम ये होता है 1 और 2। पिरिडीन क्या होता है, 6-membered ring containing 1 nitrogen known as पिरिडीन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका जो नाम होगा वो क्या हो गया, यहाँ पे 2-bromo पिरिडीन। ओके,
नाउ ये तो इसका नाम हो गया। एसीटोनाइट्राइल के साथ फिनाइल रिंग लगा होता है तो वहां से हाइड्रोजन निकालना मींस वहां के उस हाइड्रोजन को हम एज एसिडिक करैक्टर मानते हैं, इसीलिए वहां से हम हाइड्रोजन को बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सोडामाइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं NaNH2, ये स्ट्रोंग क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रोंग बेसिक नेचर का होता है और ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन को निकालता है, अल्टीमेटली HBr के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और ये कार्बन ये वाला पॉइंट यहाँ इस कार्बन पे जुड़ जाता है। तो देखिएगा ये फिनाइल यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल चुका और साइनो ग्रुप को हमने या नाइट्राइल ग्रुप को हमने ऊपर की तरफ लिख दिया और ये पिरिडीन रिंग को हमने यहाँ जोड़ दिया। ओके, ये हमारा जैसे इंटरमीडिएट बनता है, इस इंटरमीडिएट की हम साइड चेन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये साइड चेन आ गई, साइड चेन में अगेन सेम रिएक्शन करवाएंगे जिस तरीके से यहाँ पे अगेन सोडामाइड होगा NaNH2 होगा, वही सेम रिएक्शन होगी, यहाँ से एच और यहाँ से सीएल बाहर निकलेगा, ये माइनस HCl कर दिया और ऐसा कैसा ये सेम चीज अटैच हो गया। ध्यान दीजिएगा पूरा का पूरा मैंने दो कार्बन ये जोड़ दिया और नाइट्रोजन के साथ में ये साइड चेन इस तरह से जोड़ दिया। अब अपन बात करते हैं, देखना हमारा लगभग ड्रग तैयार हो गया, लेकिन यहाँ पे इस ये वाला साइनो ग्रुप है या जिसको अपन नाइट्राइल ग्रुप बोलते हैं, इस नाइट्राइल ग्रुप का हम H2SO4 के साथ में हाइड्रोलिसिस कराते हैं। कीप इन माइंड यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस से ध्यान दीजिएगा क्या बनता है, एमाइड बनता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिड बनता है, कंप्लीट इसका रिडक्शन करवा दे तो एमीन बनता है, दैट इज प्राइमरी एमीन, ये आपने 12th क्लास में रिएक्शन पढ़ी होगी। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ जैसा ही अपन पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमने बताया एमाइड, तो ये हमारा ड्रग बन गया क्या, डाई आइसोपाइरेमाइड, ध्यान दीजिएगा डाई आइसोपाइरेमाइड, ध्यान देना यहाँ पे इस रिएक्शन का मैं आपको स्ट्रक्चर याद करवाता हूँ, डाई का मतलब दो, डाई का मतलब टू हो गया, ओके, आइसो का मतलब ध्यान देना ये आइसोप्रोपाइल है, ये आइसोप्रोपाइल है तो याद रखिएगा ये आइसोप्रोपाइल को हम क्या कर रहे हैं, आइसोप्रोपाइल पार्ट हो गया, मतलब प्रोपाइल का मतलब तीन कार्बन, एक दो तीन इस तरह से तीन कार्बन हो गया, बीच वाले कार्बन से अटैचमेंट होता है तो आइसोवर्ड बोला जाता है, इस तरह से ये आइसोप्रोपाइल हो गया, दो है तो हमने डाई आइसो बोल दिया। ओके, पायरे से याद रखना ये वाला जो रिंग हमारा है इसको अपन बोलते हैं पिरिडीन, ओके पिरिडीन रिंग हो गया तो पायरा यहां से आ गया, एमाइड जो वर्ड आया है वो यहां से आया, एमाइड ये हो गया, इस तरह से हमारा ड्रग का नामनक्लेचर आपको स्ट्रक्चर शायद याद हो गई होगी, इस तरह से अपन इसको स्ट्रक्चर मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम याद करते हैं, ये हमारा डाई आइसोपाइरेमाइड हो गया। अब हम बात करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि नाइट्रोजन इटसेल्फ किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, क्यों, क्योंकि इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मींस बेसिक नेचर होने की वजह से ये एसिड के साथ बड़े आराम से सॉल्ट बना लेगा, तो यहाँ पे H3PO4 मतलब फॉस्फोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये फॉस्फोरिक एसिड के साथ में सॉल्ट बना लेगा, मींस ये जो हमारा ड्रग बना है वो ड्रग क्या हो गया हमारा, यहाँ पे समझना लॉजिकली, जैसे जो हमको बनाना था क्या हो गया, डाई आइसो पाइरेमाइड फॉस्फेट, इस तरह से हमारा जो ड्रग है बहुत इजी सिंथेसिस है, पहला सिंथेसिस हमारा यहाँ पे पहली जो रिएक्शन थी वो कौन सी हो गई, सिंपली कंडेंसेशन रिएक्शन हो गई, जैसा कि HBr निकल रहा है, सिमिलरली दूसरी जो रिएक्शन हुई हमारी अगेन कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, जैसा कि हमने यहाँ पे HCl निकल रहा है और जैसा मैं बता चुका हूँ थर्ड स्टेप वाली रिएक्शन हो गई पार्शियल हाइड्रोलिसिस, और हमारी फोर्थ स्टेप की रिएक्शन जो हुई वो फोर्थ स्टेप की रिएक्शन हो गई साल्ट फॉर्मेशन, जैसा मतलब साल्ट फॉर्मेशन का मतलब समझ में आ गया होगा, नाइट्रोजन बेस की तरह काम कर रहा है और फॉस्फोरिक एसिड हमने ऐड किया
था, ये हमारा जो ड्रग फॉर्मेट का नाम या ड्रग का नाम है वो क्या है, वो हमारा क्या है साल्ट फॉर्म में है। साल्ट फॉर्म में शायद आपको पता होना चाहिए, साल्ट फॉर्म में डोजेस फॉर्म ड्रग को हम डोजेस फॉर्म में इनबिल्ट करते हैं ताकि वो बॉडी में जाके डिजोल्व हो जाए, मतलब जीआईटी में आके डिजोल्व हो जाए और उसके बाद में जो जो हमारा मेन ड्रग कंपोनेंट है डाइसोपाइरेमाइड उसको वो हमारा एज ए सोडियम चैनल की तरह ब्लॉक कर सके और एंटी एरिथमिक एक्शन दे सके। ये हमारा कंप्लीट सिंथेसिस हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेन एग्जाम में आपको काम आएगा। यूनिवर्सिटी एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है राइट द सिंथेसिस ऑफ डाइसोपाइरेमाइड, तो मैंने आपको जो बोला है जो लिखा है वो पूरा का पूरा कंप्लीटली लिख देना, साइड रिएक्शन और इस तरह से जो रिएक्शन कंप्लीट है वो सारी चीज लिख देना, ये पूरा लिख दोगे तो आपको लगभग पूरे नंबर मिलने की उम्मीद रहेगी। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, यदि मेडिसिनल केमिस्ट्री में राइट शॉर्ट नोट आता है ऑन दिस ड्रग तो क्या होगा, ये आपको पूरा लिखना है जितना मैंने वीडियो में बताया है, मतलब उसका मैकेनिज्म एक्शन, उसके यूजेज, उसके साइड इफेक्ट एज वेल एज सिंथेसिस ऑफ दिस ड्रग, ये सारा का सारा आपको पूरा का पूरा याद करके इस पे लिखना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहले ही बता चुका हूं, यहाँ पे फार्मासिस्ट डीसीओ जीपेट इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है वो जो मल्टीपल क्वेश्चन मैंने बताए हैं। हाँ मैं आपको एक चीज बता दूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ये वीडियो आपको यदि कुछ अच्छा लगा हो तो आपका एक लाइक और एक कमेंट जरूर बनता है, यही हमारा इंस्पिरेशन है। थैंक यू वंस अगेन, मैं आपको नया वीडियो लेके फिर से आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।